अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लिनिक टीम अप्रोच टू रिहेबिलिटेशन। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक्स, तो हमें सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। तो प्रोस्थेटिक्स क्या होता है? प्रोस्थेटिक्स इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ सर्जरी विच डील्स विद द मेकिंग एंड फिटिंग ऑफ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, और ये आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनको प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ जो सर्जरी है उसको प्रोस्थेटिक्स और आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं प्रोस्थेसिस। अगर हम ऑर्थोटिक्स की बात करें तो ऑर्थोटिक्स क्या होते हैं? ये मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें ये क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं हम उसको बॉडी पार्ट्स को, एक्सटर्नल असिस्टिव डिवाइसेस जो कि इम्प्लांट की जाती हैं या किसी को रिकमेंड की जाती हैं, जैसे कि फुट ऑर्थोसिस वगैरह हो गए, स्प्लिंट्स हो गए, ब्रेसेस हो गए, तो वो ऑर्थोटिक्स होते हैं। और उन स्पेशल असिस्टिव डिवाइसेस को आप कहते हैं ऑर्थोसिस। अब अगर हम बात करें थर्ड पे रिहेबिलिटेशन की, तो व्हाट इज़ रिहेबिलिटेशन? रिहेबिलिटेशन बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी इलनेस से रिकवरी जो हो रही है ट्रीटमेंट के थ्रू, इलनेस कोई भी बीमारी हो गई है या कोई भी मसला हो गया, कोई कंडीशन के साथ पेशेंट आपके पास आता है या किसी किस्म की एडिक्शन हो गई है पेशेंट को, तो उसमें आपने किस तरह से नॉर्मल लाइफ की तरफ उसको रिस्टोर करवाना है, किस प्रोसेस के थ्रू ट्रीटमेंट क्या करना है, वो सारा आपका रिहेबिलिटेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लिनिक टीम की या क्लिनिकल टीम की, तो क्लिनिकल टीम अप्रोच जो है वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज़्यादा इसने पॉपुलैरिटी गेन की। वर्ल्ड वार टू में हुआ क्या था कि जंग जब छिड़ी और उसके बाद इतनी ज़्यादा इंजरीज़ के साथ पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आए, तो एम्प्यूटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन थी उसमें। एम्प्यूटीज़ या आप कह लें एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन वाले पेशेंट बहुत कॉमन थे। एम्प्यूटेशन क्या होता है? एम्प्यूटेशन बेसिकली होता है कि सर्जिकली या किसी इंजरी की वजह से कोई बॉडी पार्ट जो है वो कट ऑफ हो जाए, तो उसको कहते हैं आप एम्प्यूटेशन। तो उसमें ये हुआ था कि किसी की टांग कट गई, किसी का बाजू कट गया, तो उस वजह से जो है क्लिनिकल टीम अप्रोच का मतलब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। और उसमें ये हुआ कि सब डॉक्टर्स ने या सब फील्ड्स के डॉक्टर्स ने मिल के उन्होंने टीम में काम करना शुरू कर दिया उनके ट्रीटमेंट के लिए। अब क्लिनिकल टीम का सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है कि एक तो क्लिनिकल टीम में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनको रेगुलरली जो है आपस में मिलते रहना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से फॉलोअप लेते रहें, आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहें, और उनको नए ट्रीटमेंट प्लान्स क्या मार्केट में चल रहे हैं वो सारा उनको पता होना चाहिए, ताकि वो उस एक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो उस पर इम्प्लीमेंट करते रहें। अब अगर हम क्लिनिकल टीम की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉडर रेंज के मतलब आ जाते हैं आपके पास एक्सपर्ट्स। सबसे पहले आ जाते हैं फिजिशियन एंड सर्जन। फिजिशियन और सर्जन में ये आ जाते हैं आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सर्जन हो सकते हैं। एक होता है आपके पास जनरल सर्जन, वास्कुलर सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। फिर इस टीम में सर्जन के साथ कोलैबोरेट या कोऑर्डिनेशन में कौन कौन काम कर सकता है? फिजियाट्रिस्ट काम कर सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर सकता है, प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन जो होता है, या पीडियाट्रिशियन। अब हम अगर जनरल सर्जन की बात करें तो जनरल सर्जन जो है उसकी एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे हमें सबका एजुकेशन लेवल और उनकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ की, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं आपके पास, एक है यूएस सिस्टम और एक है यूरोप सिस्टम। अब यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली सर्टिफाइड जो उन्होंने सर्टिफिकेशंस देनी होती हैं ये एक्सपर्ट्स को, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, तो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और यूरोप साइड का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पर अमेरिका के साथ एक्रेडिटेशन उसकी डिस्कस करने जाएंगे। अब फिजिशियन और सर्जन में जो है जनरल सर्जन की अगर हम बात करें तो जनरल सर्जन, वास्कुलर सर्जन जो कोई भी ब्लड वेसल्स की जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें वास्कुलर सर्जन को एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन वो कोलैबोरेशन में या कोऑर्डिनेशन में काम कर सकता है। फिजियाट्रिस्ट, फिजियाट्रिस्ट क्या होता है जो मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन को कलेक्टिवली मिलाकर जो है एक तरह काम करे या ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट करे उसको फिजियाट्रिस्ट कहते हैं, जो मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन दोनों का एक्सपर्ट हो। डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी कोई स्किन लीन होगी वहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस वूंड की हीलिंग के लिए या कोई भी जो भी इशू होगा। प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन की आपको तब ज़रूरत पड़ेगी अगर उसके फेस की कोई इंजरी है साथ, मतलब एम्प्यूटेशन के साथ साथ उसकी फेस पे भी कोई इंजरी आई है,
तो उसको चेंज करना, या प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन की आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर नी की कोई एम्पूटेशन के साथ आया है कि लोअर लेग जो है वो उसकी बिल्कुल कट ऑफ हो गई है इंजरी में, तो आपने जब उसको प्रोस्थेसिस को फिट करना है सर्जन ने, तो उसमें उसने जब उसकी मोल्डिंग या मॉडिफिकेशन करनी है, शेप उसको देनी है, तो प्लास्टिक सर्जन की वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि वो उसको बिल्कुल उसी तरह की शेप या लुक दे जिस तरह की उसकी ओरिजिनली होती है। फिर उसके बाद पीडियाट्रिशन, पीडियाट्रिशन की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ आपके पास पेशेंट जो है वो एक बच्चा हो, जिसको कोई और डील ना कर पा रहा हो, जो बच्चों का एक्सपर्ट हो। जो जनरल सर्जन जो है वो एडल्ट्स में ज़्यादा मेनली काम करते हैं, तो पीडियाट्रिशन को पता होगा कि बच्चों को किस तरह से डील करना है और बच्चे का ट्रीटमेंट या फॉलोअप किस तरह से करना है, तो पीडियाट्रिशन की वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इनका अगर क्वालिफिकेशन लेवल पे हम आ जाएँ, तो जो जनरल सर्जन्स होते हैं उनके, जनरल सर्जन्स का इसमें इन्होंने बताया हुआ कि 5 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इनकी होनी चाहिए। 5 ईयर्स एजुकेशन के साथ साथ आपके पास इनका रिटन एग्ज़ाम जो है वो पास हुआ होना चाहिए, फिर ही ये प्रैक्टिस के लिए कैपेबल हैं। जो वास्कुलर सर्जन हैं उनको भी अपनी एजुकेशन के साथ साथ रिटन एग्ज़ामिनेशन जो है उनका पास हुआ होना चाहिए। देन आप ऑर्थोपेडिक सर्जन की आ जाएं, तो इनकी भी 5 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। 5 ईयर्स की एजुकेशन के साथ इनका मिनिमम 2 to 3 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन इनका पास हुआ होना चाहिए। फिजियाट्रिस्ट की बात करें, तो फिजियाट्रिस्ट जो है उसकी भी आपके पास 1 ईयर ऑफ एजुकेशन, 5 ईयर्स एजुकेशन के बाद 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, रिटन एग्जामिनेशन इसका पास होना चाहिए और इनका लाइसेंस एग्ज़ाम भी पास हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद हम डर्माटोलॉजिस्ट की बात करें, तो डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं उनकी भी 1 ईयर की ट्रेनिंग और 3 ईयर्स का स्पेशलिटी ट्रेनिंग वो हुई होनी चाहिए, और साथ इनका एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन या लाइसेंस एग्जामिनेशन पास हुआ होना चाहिए। देन वी विल कम टू साइकेट्रिस्ट। इसमें साइकेट्रिस्ट का भी रोल थोड़ा सा आ जाता है कि इमोशनली अगर पेशेंट डिस्टर्ब है तो आपको वहाँ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसकी काउंसलिंग के लिए। अब अगर हम आ जाएँ प्रोस्थेटिस्ट की बात करें, तो प्रोस्थेटिस्ट या उसको CP स्टैंड फॉर सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट, और CPO स्टैंड फॉर सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट एंड सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट। इसकी एजुकेशन की अगर बात करें, तो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी 1 ईयर ऑफ पहले बैचलर डिग्री उसके पास लाजमी होनी चाहिए, फिर 1 ईयर की उसकी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होनी चाहिए, देन आपके उसके पास 1 ईयर की क्लिनिकल प्रैक्टिस या इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, और उसके अलावा इसने साथ रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अपना पास किया हो। फिर हम अगर बात करें ऑर्थोटिस्ट की, तो ऑर्थोटिस्ट वो होते हैं, ऑर्थोटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि आपके आर्टिफिशियल डिवाइसेस को मॉडिफाई करने में या रिकमेंड करने में या उनकी मेकिंग में, फिटिंग में हेल्प करते हैं। तो ऑर्थोटिस्ट वो होते हैं, और इसमें आपके पास आ जाता है कि ये इनकी भी सेम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ट्रेनिंग और लाइसेंस एग्जाम इनका पास होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें पेडोर्थिस्ट की, पेडोर्थिस्ट क्या होते हैं, पेडोर्थिस्ट वो लोग होते हैं जो आपकी फ़ुट एबनॉर्मेलिटीज़ या एनोमलीज़ के साथ डील करें या उनको स्टडी करें। तो फुट एनोमलीज़ क्या होती हैं, एनोमलीज़ वो होती हैं जो कि मतलब एक्सेप्शनल केसेस, कि किसी का बचपन से ही जो है वो फ्लैट फुट है बाय बर्थ, तो ये आपकी एनोमली है, ये कॉमन नहीं होता, ये हर किसी में नहीं होता, तो ये एनोमली आ जाता है या एक्सेप्शनल केस आ जाता है। तो एबनॉर्मेलिटी है किसी का जो है, आपने सुना होगा कि 6 फिंगर्स हैंड में, जैसे 6 फिंगर्स सुनते हैं कि किसी के 2 अंगूठे हैं या 6 फिंगर्स हैं, पॉलीडेक्टिली भी उसको कहते हैं, इसी तरह फुट में भी अगर कोई एक्स्ट्रा मेटाटार्सल हो तो उसको आप कहते हैं एनोमली फुट की, या फिर किसी की फिंगर जो हैं वो क्लॉ टाइप हों,
तो उसमें जो है वो वॉकिंग में प्रॉब्लम हो तो वो भी फुट एंड ऑमली में आ जाते हैं। ये कंजेनिटल भी हो सकती है, यानी बाय बर्थ भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है कि बाद में एनवायरनमेंट से जो है वो किसी ना किसी तरह एक्वायर कर ले उसको। तो पेडोर्थिस की एजुकेशन का इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने कहा है इसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा 120 आवर्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें 120 आवर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है अगर हम US सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो 120 आवर्स ऑफ एजुकेशन जो है 4 इयर्स बैचलर डिग्री के इक्वल होता है। 4 इयर्स बैचलर डिग्री के इक्वल होता है 120 आवर्स एजुकेशन, तो 120 आवर्स ऑफ एजुकेशन हो गई। उसके अलावा इसमें आपके पास आ जाएगा कि साथ उसने रिटन एग्जामिनेशन जो है वो पास किया हो अपना, देन अगर जो बोर्ड है वो एक्सेप्ट कर लेता है इससे कम आवर्स ऑफ एजुकेशन को उसकी सिचुएशन में भी, जब उसके पास अगर वो पहले से एथलेटिक ट्रेनर हो, काइरोप्रैक्टर हो, ऑस्टियोपैथ हो। अब काइरोप्रैक्टर क्या होता है? काइरोप्रैक्टर बेसिकली वो पर्सन होता है जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ डील करता है और उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सेकंड ऑस्टियोपैथ आ जाता है। ऑस्टियोपैथ क्या होता है? ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि आपकी मसाज के थ्रू, मसल्स की मसाज के थ्रू या स्केलेटन की मसाज के थ्रू ट्रीटमेंट कर दे किसी भी कंडीशन का, तो उसको आप ऑस्टियोपैथ कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट में उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पोस्ट डॉक्टरेट लेवल ही कहलाता है, तो उसको या तो 5 इयर्स की एजुकेशन कहीं से भी पूरी की हो या फिर उसके बाद बैचलर डिग्री के बाद उसने मास्टर्स किसी भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से किया हो। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है कि लाइसेंस एग्ज़ाम उसका क्लियर होना चाहिए, तभी वो क्लिनिक टीम का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें बताई हुई है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के अलावा फ़िज़िकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट जो है जिसने एसोसिएट डिग्री या डिप्लोमा कोई किया हो वो फिजियोथेरेपिस्ट के असिस्टेंस में या सुपरविजन में भी काम कर सकता है उसके साथ। वो डायग्नोसिस नहीं बना सकता लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लान फिजियोथेरेपिस्ट ने बनाया होगा वो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है। फिर आ जाता है आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स जो ADLs होते हैं उनको मॉडिफाई करने में या उनको आपको उसमें इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करता है। तो अगर कोई भी अपर लिम की एम्प्यूटेशन के साथ आपके पास पेशेंट आता है तो उसमें आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है उसकी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं नर्सेज। नर्सेज रिहैबिलिटेशन नर्सेज होंगी, क्लिनिकल टीम का हिस्सा। और उसमें वो क्या करेंगी कि रिहैबिलिटेशन नर्सेज क्या करती हैं कि ऑब्ज़र्व करती हैं, असेस करती हैं आफ्टर ऑपरेशन भी और प्री ऑपरेशन भी, जो वो है ऑब्ज़र्व सारी चीज़ें, वाइटल्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगी और उसके बाद फॉलो अप लेती रहेंगी। देन उसके बाद आपके पास आता है रिहैब काउंसलर। रिहैब काउंसलर वो होता है कि जो आपको सोशलाइज करने में या ट्रीटमेंट के बाद जो है आपकी काउंसलिंग में हेल्प करे, वो रिहैब काउंसलर होगा। सोशल वर्कर क्या करता है? सोशल वर्कर वो होता है जो आप अगर कोई भी पेशेंट इमोशनली डिस्टर्ब है अपनी एम्प्यूटेशन की कंडीशन की वजह से और बाद में उसको प्रोसेसेस लगा वो अभी घुल मिल नहीं रहा अपने एनवायरनमेंट में या वो अपने आप को इस चीज़ के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो आपको सोशल वर्कर की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो उसकी काउंसलिंग में हेल्प करेगा उसको। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज़ के साथ तो वो उसको फैमिली के जो है काउंसलिंग करके तो उसको मोटिवेट करेगा। फिर आपके पास आ जाता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी मेनली काउंसलिंग में हेल्प करेगा, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और सोशलाइज करने के डिफरेंट मेथड्स बताएगा कि किस तरह से उसने इस चीज़ के साथ अब एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। तो साइकोलॉजिस्ट की जो डिग्री है वो PhD लेवल की होनी चाहिए या फिर उसको डॉक्टरेट लेवल या मास्टर्स लेवल किया होना चाहिए और उसके बाद ही वो क्लिनिक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर हम इसको रिकॉल करें तो मेनली आज का हमारा टॉपिक था क्लिनिकल टीम अप्रोच टू रिहैबिलिटेशन। उसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? फिजिशियन हो सकते हैं, आपके पास प्रोस्थेटिस्ट आ जाता है, ऑर्थोटिस्ट आ जाता है, पेडियाट्रिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्स,
रीहैब काउंसलर, सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.